लोजपा संसदीय बोर्ड की बैठक दिल्ली में है। जिन 6 सीटों पर लोजपा को चुनाव लड़ना है उसके उम्मीदवारों की आज घोषणा की जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित तमाम नेता दिल्ली में मौजूद हैं। वहीं पशुपति पारस ने आज पटना से दिल्ली जाने के क्रम में यह बताया कि वैशाली और हाजीपुर में लोजपा नए उम्मीदवार देगी। वहीं खगड़िया के उम्मीदवार पे पारस ने चुप्पी साध ली। निश्चित रूप से होगा है, वहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड में पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, दलित सेना के अध्यक्ष हैं। एक एक उम्मीदवार पर विचार होगा, उस पर जो सर्वमान्य सहमति मिलेगी वो डिसीजन होगा। हाजीपुर से भी नया कैंडिडेट होगा, वैशाली से भी नया कैंडिडेट होगा, कुछ अनुमान लग रहा है? निश्चित रूप से होगा, वैशाली में भी नया कैंडिडेट। हाँ, नया कैंडिडेट होगा, हाजीपुर में भी नया कैंडिडेट होगा। खगड़िया से? खगड़िया के बारे में कैबिनेट में बैठक होने दीजिए, क्या होता है। लेकिन जो आपके पुराने सांसद हैं वो आप विश्वास जता रहे हैं क्या? अच्छी बात है, विश्वास जता रहे हैं, अच्छी बात है। टिकट मिलेगा? समय का इंतजार करिए। कैंडिडेट पर मुहर लग जाएगी क्योंकि औपचारिक ऐलान तो हो ही गया है। देखिए, अब तो चुनावी समर है, तो इसमें स्वाभाविक है कि जो मान लीजिए पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो है बैठक है, और उस बैठक में हम लोग जा रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी हैं जो 10:45 के प्लेन से वो भी जाएंगे, तो हमको लगता है कि करीब करीब जो हम लोगों का सीट है, 6 सीट मेरा है, इस 6 सीट पर जो है उम्मीदवार का जो है नाम तय किया जाएगा। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान जी भी रहेंगे, चिराग पासवान रहेंगे, पार्टी के और सभी जितने सशर्त पार्लियामेंट्री बोर्ड के लीडर हैं वो सारे लोग रहेंगे। तो जो वर्तमान में जो सांसद रहे हैं, क्या उनका काम बेहतर रहा है, उन पर पार्टी विश्वास जताएगी या कुछ नए पहलवान की भी तलाश कर रही है? नहीं, कुछ ये तो अभी तो जैसे मान लीजिए कि एक सीट का हेरा फेरी भी हुआ है जी। जो मुंगेर सीट था वो जदयू के खाते में गया है, नवादा जो है हमारे खाते में आया है। तो स्वाभाविक है कि नया जगह है, नया सीट है, और जो पुराने हमारे लोग हैं तो उन पर भी विचार किया जाएगा किनका क्या कार्यकलाप रहा है। तो इसी लेकर के आज पार्लियामेंट्री बोर्ड का बैठक। खगड़िया को लेकर कोई संशय स्थिति है क्या? नहीं है, संशय का स्थिति तो नहीं है, ये सब तो पुराना क्षेत्र है। हमारे पास में कैंडिडेट भी बहुत पुराने हैं, और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब ये जो कैंडिडेट पुराने हैं वो कैंडिडेट ही नहीं है, वो सांसद भी हैं, उनका रिप्यूटेशन क्या है उस पर आकलन किया जाएगा। सर, ये आप लोग तो